हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर और खजूर की मीठी चटनी, जो आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको ये बहुत ही पसंद आती है। बनाने में भी बिल्कुल आसान और क्विक है। अक्सर शादियों या पार्टियों में आपने इस तरह की चटनी ज़रूर खाई होगी। हलवाई वाली टमाटर खजूर की चटनी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे और इसे बार बार खाने का मन करेगा और आप इसे बार बार बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं टमाटर खजूर की चटनी। टमाटर खजूर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम लाल वाले टमाटर लिए हैं और 6 से 7 खजूर ले लीजिए आप। टमाटर आप बिल्कुल रेड वाले यूज़ कीजिए, इससे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टमाटर के ऊपर इस तरह से हम कट मार्क लगा देंगे। सभी टमाटर के ऊपर इस तरह से कट मार्क लगाएंगे। इन टमाटरों को हम ब्लांच करेंगे, इसलिए ये कट मार्क हमने लगाया है। इस तरह से कट मार्क लगाने से ये बहुत अच्छे से इसका हम छिलका निकाल सकते हैं। अब हम एक पैन में थोड़ा पानी गर्म करेंगे। पानी जब बॉईल होने लग जाए तो हम टमाटरों को उसमें डाल देंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह बॉईल होने देंगे। पाँच मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और टमाटरों को निकाल लेंगे बाहर और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए, टमाटर थोड़े ठंडे हो जाएं तो आप इनका छिलका इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये छिलके बहुत ही आसानी से इस तरह से निकल जाते हैं और चटनी में छिलके बहुत लोगों को पसंद नहीं है, तो आप इस तरह से छिलकों को निकाल सकते हैं। और अगर आपको छिलके पसंद है तो आप इसे छिलकों के साथ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम टमाटरों को इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे, बड़े या छोटे आप किसी तरह के भी टुकड़ों में काट सकते हैं। ये देखिए, सारे टमाटर चॉप हो चुके हैं, अब इन्हें हम साइड में रख लेते हैं। अब हम एक पैन गर्म करते हैं, उसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। अब हम इसमें डालेंगे 5 फोरन। 5 फोरन में 5 तरह के मसाले रहते हैं, जीरा, सौंफ, सरसों, मेथी और कलौंजी। ये 5ों चीज़ें इक्वल अमाउंट में मिक्स करके ली जाती है, ये बाज़ार में भी आसानी से मिल जाती है। तो इसे हम ऑयल में डाल देंगे, इसे कुछ सेकंड्स के लिए हम फ्राई करेंगे। फ्लेम हम अभी स्लो रखेंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च और इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे जो कटे हुए टमाटर हैं और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। फ्लेम हम स्लो रखेंगे। ये देखिए, अब हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून नमक और नमक को भी टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम पैन को थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए, करीब 2 मिनट के बाद कवर हटाएंगे, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और इन्हें हम करीब 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं, इसलिए हम 1 मिनट के लिए और कवर करेंगे इसे। फ्लेम हमें स्लो रखना है, स्लो फ्लेम पर हमें ये चटनी बनानी है। ये देखिए, करीब 1 मिनट के बाद टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, इन्हें हम थोड़ा सा इस तरह से मैश कर लेंगे स्पून से। और अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम चीनी। आप अपने हिसाब से चीनी थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी के बराबर आप गुड़ ले लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ खजूर और चॉप किए हुए आमरस या आम पापड़, आप जो भी इसे बोलते हो। आम पापड़ का एक छोटा सा पीस है, उसे मैंने चॉप करके ले लिया, इससे चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे। करीब 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए, हमारी चटनी बिल्कुल बनकर रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम हलवाई जैसी बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर रेडी हुई है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप देख सकते हैं, देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है ये चटनी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।
तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें और आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर करीब एक वीक तक के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा एक वीक तक। आप इसे सर्व कीजिए पूरी, कचौरी, किसी भी तरह के पराठे या किसी स्नैक्स के साथ। ये सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी। मिलते हैं मेरे ऐसे ही आसान और एक क्विक रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।